ये है शेर का घर और ये रही है उनकी माँ। कहाँ तुम्हारा बेटा? तुम लोग जो कहने आयो मुझे सब पता है। वो तुम्हारा सामान वापस करने का वो कह रहा था कि मैं डर के मारे ले आया, मैंने उसे भेज दिया है। और देखो मेरा सेक चिल्ली बेवकूफ जरूर है पर चोर नहीं है। अभी तो मुझे उसका निकाह करना है। क्या सोच रहे हो रहमान मियाँ? आ तो तुम्हारे सारे काम बनते जा रही हैं। क्या जनाब, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे दो बेटियां हैं? जी हाँ। तो सोचना क्या है, एक लड़का तो सलीम और एक शेख चिल्ली। एक दिन बारात मंगवाओ और दोनों की निकाह करवा दो, बटवा दो तुम्हारे। अगर तुमने मेरे बेटे का निकाह करा दिया तो मैं तुम्हारे जिंदगी पर एहसान नहीं भूलूंगी। मगर ये तो मुझे घर पर जाकर सलाह करनी पड़ेगी। आओ चलो चलते हैं। क्या क्या कर रही हो? पूरे घर को खोद लिया। आ गए तुम्हारे अब्बू? अरे शेख चिल्ली तुम मगर ये सामान क्यों ले आए? बात तो मैं स्वाद ले रही हूँ, मेरी नाट टूट जा रही है, उतरवा दो पहले सामान। अरे रुको रुको लाओ। बैठो मैं कुछ लाती हूँ। नहीं, नहीं नहीं कुछ लाने की जरूरत नहीं है फिर कभी। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हारा नाम क्या है? साजिया। बोलो क्या है? बहुत अच्छी है, खुदा हाफिज। अरे सुनो तो नाजिया वो तो चले गए। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। क्या? और तू तो सलीम को देखकर ही मचल गई थी, अब बोल। अच्छा अच्छा बाबा चुप हो जाओ, नहीं तो अब्बू सुन लेंगे। अब्बू सुन लेंगे। और सुनाओ रहमान मियाँ, काम धंधा कैसे चल रहा है? बस कर रहे हैं गुजर, ठीक चल रहा है। रहमान मियाँ अगर मेरी बात मानो ना तो अपनी साजिया और नाजिया की शादी सलीम और शेख के साथ कर दो। देखो अनवर मियाँ, मैं आपकी बात को फीका नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मुझे आपसे यही उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए साधु साहब, तशरीफ लाइए। अरे सलीम मियाँ जी, जरा पानी लेकर आओ भाई। आया। थक गए। शुक्रिया। और लाऊं? बस। रहमान मियां, मैं तो आपके घर गया था, वहां आप मिले नहीं, सोचा अनवर भाई के उधर देख लूं, शायद मिल जाए। मैं तो आ ही रहा था, अनवर साहब के पास बैठ गया। और बच्चे कैसे हैं? हाँ जी बच्चे तो सब ठीक हैं। मैं तो साजिया और नाजिया के रिश्ते के बारे में आया था। मगर वो काम तो अनवर साहब ने करा दिया। मगर भाई जान उनका क्या होगा, जिन लोगों को मैंने जबान दे रखी है वे मेरे मुंह पर थूकेंगे। ये लड़के तो शकल के ना सूरत के, वो लड़के तो बहुत सुंदर है। वो थूकेंगे क्यों, हमने कोई लेना देना थोड़ी तय किया है। आप ये बात गलत कह रहे हो मियाँ, वो लड़के मेरे पास काम करते हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं। अच्छा जब आप लोगों ने रिश्ता पक्का कर रखा है तो मैं तो चलूं। अच्छा अनवर साहब खुदा हाफिज। बाबू का बच्चा मुझे बेवकूफ बता रहा था। कहाँ से बेवकूफ, दाई भी है मेरा, मैं टोपी भी पहनता हूँ, कपड़े ठीक है। मैं ऐसा काम करूँगा जिससे मैं इस शहर का बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, पैसे वाला बन जाऊँगा, सब पे रोब जमाऊँगा, राजा बन जाऊँगा। राजा बन जाएगा, तैयार हो जा, और तेरे लिए बहू देखने जा रहे हैं। अम्मी मुझे नहीं कराना निकाह का, मुझे नहीं देखनी बहू, तू भी देखिया।
कमकत मारे मुझसे कब तक चूल्हा फुकवाता रहेगा? मेरे बगैर तेरा कोई भी निकाह करने को राजी ना है। मैं नहीं जाने वाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। और बेटा कैसा है? खाला मेरा निकाह होने वाला है। अच्छा? हाँ, उन्होंने कहा है लड़की देख जाओ आकर। मगर बेटा मैं तो सेख चिल्ली की बहू देखने जा रही हूँ। खाला वही तो जाना है, दो बहनें हैं वो। फिर तो मैं भी चलूंगा अम्मी। मेहमान में क्या बात है, वो लोग आए क्यों नहीं? पता नहीं क्या बात है। वैसे भाईजान ये सब वक्त की बात है, वो दोनों हमारे नौकर हैं और आज तुम्हारे दामाद बनने जा रहे हैं। अरे जो होता है मंजूरे खुदा होता है। फिर हमारे लड़कों को भी तो मर्जी है। लो वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सलीम, मैंने तो कहा था अपनी अम्मी को साथ लेकर आना। जी वो बहुत दूर रहती है ना, इसलिए खाला है ना, जो कुछ है खाला करेंगी। साजन आ जा बेटा, तुम अंदर जाओ और खाना तैयार करो। जी अबू। तुम्हारे नाम क्या है बेटी? मेरा नाम शाजिया है अम्मी, और मेरा नाजिया। कितने प्यारे नाम है, तुम में से बड़ी कौन है? मैं हूँ अम्मी। साजिया? जी अम्मी। अम्मी खाना खा लीजिए, हमने खाना बना लिया है। बेटा पहले खाना मर्द खाया करते हैं, फिर हम लोग खाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। अरे ठीक बने हैं बेटे चावल? अरे कुछ कमी हो तो बतला देना। अजी कोई कमी नहीं है, जब सज्जों ने बनाया तो। बेओ नज्जों ने बनाया? सज्जों ने बनाया? नज्जों ने बनाया? साले का बक्कल तार दूं। मैं कह रहा हूँ कसम खुदा की नज्जों ने बनाया। अबे चीन की मूछ है, सज्जों ने बनाया? बेओ घड़े कैसे मुके, सुन ले नज्जो ने बनाया। अभी बतला दूंगा, सज्जो ने बनाया। मेरे को गुस्सा मत करना। नज्जो ने बनाया खानो। इसने नज्जो ने बनाया खाना। सज्जो ने बनाया? अरे किसने? नज्जो ने। सज्जो ने बनाया। अरे नहीं बेटे नहीं, आओ बैठो 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 बेटा, बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठ जाओ। लड़े ना करते हैं, बैठ जाओ।
भाई घूर क्यों रहा, खाना छोड़ दूंगा तुझे, खा जाऊंगा। खा ले, अन्नी सकड़ को बिगाड़ दूंगा। सुराई आप क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे नाना बीमार थे इसलिए आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम्हें क्या बात है चिल्ली, तुम क्यों रो रहे हो? अरे मैं क्यों रो रहा हूँ, सलीम का नाला बीमार था नहीं, वो मर चुका। अबे तो यार रोना आए हो या रिश्ता करने आए हो? क्यों रो रहा है? सलीम का नाना मर गया। क्या मर नहीं था, वैसे झूठ बोल रहा था। देखो जी सब काम तैयार है, तारीख बता डालो, निकल कर डालो। अच्छा ये लो मैं लिखे देता हूँ। लो जी मैंने निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी है, 35 तारीख 15वां महीना दिन के 25 बजे बारात ले आना। मेरी प्लेट। सलाम। अब्बू जी हमारे प्लेट भी ले गए। अच्छा ले जाने दो, ले जाने। कोई बात है, समझ लेंगे, दहेज का एक बर्तन कम हो गया। यहाँ क्या हम देते वहां 50 दे देंगे। जाओ ले जाओ। हाथ में लाएंगे हाथ में ले जाओ। कमाल है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बारात तो आई नहीं और काजी जी पहले आठ बैठे। दूधा भी है। लो बारात भी आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख चिल्ली और सलीम मियां, क्या आप दोनों के बाप एक हैं? क्या बात कर रहे हो मियां, हमारे बाप अलग अलग हैं। तो फिर माँ एक होगी। माँ मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, मैं निकाह कराने आया हो या इसके घर की पोले खोलने आए हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बिनते 30 मार खां, आपका निकाह शाजिया बिनते रहमान खान से के साथ होना करार पाया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है जी। देखिए मियां छुआरे अभी ना उठाएं, अभी निकाह पूरा नहीं हुआ है। पूरा कर लो। हाँ ठीक है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे। ये बताओ लंगड़ी लूली काड़ी भेंडी क्या सब तुम्हें कबूल है? लंगड़ी
सब कबूल है जी। कबूल है? लंगड़ी हाँ। भी सब जी। लूली भी सब देख ली पहले? पढ़ना कुछ भी ना देखा सही, मुझे तो सब कबूल है, मेरे तो पढ़ना पास पता लुका लो ही हो तो मुबारक हो मियाँ, आपका निकाह मुबारक हो आपको। मुबारक जी। सलीम मियाँ बिनते अलीम खां, आपका निकाह नाजिया बिनते रहमान खां के साथ होना करार पाया है, क्या आपको भी निकाह कबूल है? कबूल 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 है जी, उनकी माँ से भी कबूल है, वो भी कबूल। लाहौल बिलाकुबत, कैसी बदतमीजी बातें कर रहे हैं आप, उनके अड़ोसी पड़ोसियों से भी कबूल है। ठीक है, इधर पूरे खानदान को भी आएगा। ठीक है, कलमा पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है जनाब, आपको भी निकम छुआरे पीछे रहे, निकाह आप लोगों को मुबारक हो। मुबारक हो। अरे मियाँ बहू को दिखा दो, बौड़िया को तो दिखा दो।